नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ आप देखना शुरू कर चुके हैं और हम शिव सिंह आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा इलेक्शन का परिणाम सामने आ चुका है और जो परिणाम है वो बहुत हैरान करने वाला है। कहा ये जा रहा था कल तक कि कांग्रेस बहुत आसानी से बीजेपी को हरा देगी, सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे थे कि एक प्रकार से कांग्रेस की सुनामी है। 60 से लेकर के 70-75 तक कांग्रेस को दिखाया जा रहा था एग्जिट पोलों में, लेकिन वो सारे एग्जिट पोल फेल साबित हुए। जब सुबह 8 बजे इलेक्शन चालू हुआ और 9:30 बजे से जब परिणाम बदलने चालू हो गए, हालांकि शुरुआत की 8 बजे से 9:30 बजे तक स्टार्टिंग में कांग्रेस वैसा ही परिणाम दे रही थी जिस हिसाब से, जिस प्रकार से एग्जिट पोल में उन्हें दिखाया गया था, लेकिन 9:30 बजते बजते और अभी जब हम वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शाम को 5 बजे तक, अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में बीजेपी इस वक्त 48 सीट के साथ कायम है, कांग्रेस 36, INLD 3, JJP 0, आम आदमी पार्टी 0, अदर्स 3 पर। एक प्रकार से देखा जाए तो जो मेजोरिटी चाहिए होती है पार्टी को वो आ गई है हरियाणा में। इस बार तीसरी दफ़े एक प्रकार से फिर से बीजेपी कायम होगी और ये हरियाणा के इतिहास में पहली दफ़े ऐसा होगा। उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयराम रमेश और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से कांग्रेस ने नकार दिया है जो परिणाम के रिजल्ट आए हैं, इलेक्शन कमीशन पर ब्लेम लगाया है और जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये नतीजा स्वीकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नतीजा स्वीकार नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि पहले भी इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि परिणाम आया है और कोई भी विपक्षी पार्टियाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है हार को, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा। पवन खेड़ा ने भी इस चीज़ को इनडायरेक्टली बोला है कि ये जो नतीजा आया है ये अस्वीकार है। साथ के साथ अभी सैलजा का भी एक लास्ट जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी गलतियां हुई हैं वो हमको 3 से 4 दिन लगेगा एनालाइज करने में, उसके बाद हम तय करेंगे कहां क्या प्रॉब्लम हुई है। तो एक प्रकार से देखा जाए कांग्रेस ने एक प्रकार से इस पूरी हार को एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ कड़ा रुख करने जा रही है। हो सकता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में फिर से ही जाए कांग्रेस। इसके अलावा बीजेपी की खेमे में खुशियां हैं, बीजेपी एक प्रकार से देखा जाए तो तैयार नहीं थी जीत की, मतलब वो एक प्रकार से मोदी और अमित शाह खुद हार मान चुके थे। जो लगातार रैलियां जिस हिसाब से अमित शाह और मोदी जी करते हैं, इस बार वो रैली नहीं दिख रही थी। एक प्रकार से जो लहर थी कांग्रेस की वो आराम से जीतती हुई कांग्रेस को बता रही थी, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई, क्या साइलेंट वोटरों ने खेल कर दिया या फिर पूरी तरीके से गैर जाट जो वोट हैं वो कॉन्सुलेट हो गए और पूरी तरीके से कांग्रेस के विपक्ष में वोट चले गए, ये देखने योग्य होगा। इस पर एनालाइज लेकर के मैं आपको रात को लेकर के आऊँगा कि कांग्रेस का हरियाणा में हार के पीछे बड़ा कारण क्या रहा। अब चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में अगर बात करी जाए, जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ रहे थे और PDP अलग अकेली थी, BJP थी और अदर पार्टियां थी। तो साथियों उसमें देखा जाए कि जैसे कि एग्जिट पोल बताया था जिस हिसाब से, बिल्कुल वैसा ही परिणाम आया। हालांकि कुछ एग्जिट पोल हंग इलेक्शन भी बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल करके आराम से यहाँ पर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त तक नेशनल कॉन्फ्रेंस 49 पर, PDP 3 पर और BJP 29 पर, अदर्स 3 पर कायम है। अब आगे देखते हैं और क्या होगा, हालांकि 1-2-3 सीट ऊपर नीचे होने, ज़्यादा कुछ नहीं होना है। तो साथियों अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में जो लगातार 370 धारा हटाया बीजेपी ने और कहा यह जा रहा था कि कश्मीरी पंडित काफ़ी खुश होंगे, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, ऐसा कुछ दिखा नहीं। जम्मू में कश्मीरी पंडित भी बताते हैं काफ़ी दुखी हैं, उसका बहुत ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिलता दिख नहीं रहा है। और
आगे क्या होगा ये देखने योग्य बात है। तो दोस्तों ये हमारी अभी फिलहाल की अपडेट थी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ऊपर। आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ के साथ दोस्तों मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। हम लोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्टिंग लेकर के अपनी पत्रकारिता पैनी पत्रकारिता को लेकर के दिल्ली पहुँच रहे हैं। हम लोग का जो ऑफिस है वो दिल्ली सेटअप होने वाला है गूंज लाइव न्यूज़ का। साथ के साथ गूंज लाइव न्यूज़ एक नए चैनल की स्टार्टिंग कर रहा है इंडियन गपशप नाम से, जिसमें जो फिल्म सिनेमा से रिलेटेड जो एक्टर रहेंगे एक्ट्रेस रहेंगे उनका पॉडकास्ट आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इंडियन गपशप को गूंज को सब्सक्राइब करिए। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मैं शिव सिंह आप लोग से वादा करूंगा कि पूरी तरीके से हमारा कर्तव्य है आपके प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी से पत्रकारिता करना और जो भी खबर है वो सही तरीके से दिखाना। अभी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं रात को 10 बजे फिर लौट के आऊँगा और आपको बताऊँगा हरियाणा में हार का क्या कारण था। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आप सभी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ वासियों को इस नवरात्र की एवं दशहरा पर्व की मैं अपनी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, आप सबके परिवार को स्वस्थ रखे, समाज में खुशहाली आए, यही कामना माता रानी से आप सबके लिए करता हूं। जय माता।